shit all together. इन दिनों इरफान खान भारत से दूर लंदन में अपनी गंभीर बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। वो न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहे हैं। इरफान ने अपनी बीमारी को लेकर एक लेटर शेयर किया है। इरफान का ये लेटर आपको इमोशनल भी कर सकता है। इरफान ने कुछ यूं लिखा, कुछ महीने पहले मुझे अचानक पता चला कि मैं न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से ग्रस्त हूँ। ये शब्द मैंने पहली बार सुना था। जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पाया कि इस पर ज्यादा शोध नहीं हुए हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी मौजूद नहीं थी। ये एक रेयर डिजीज है। अभी तक मैं तेज रफ्तार वाली ट्रेन में सफर कर रहा था। मेरे कुछ सपने थे, कुछ योजनाएं थी, कुछ इच्छाएं थी, कुछ लक्ष्य था। फिर किसी ने मुझे हिलाकर जगा दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो टीसी था। उसने कहा, आपका स्टेशन आ गया, कृपया नीचे उतर जाइए। मैं कंफ्यूज था। मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। उसने कहा, नहीं, आपको अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा। इस डर और दर्द के बीच मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि मैं किसी भी हालत में ठीक होना चाहता हूँ। मुझे अपने पैर पर वापस खड़ा होना है। मुझे ये डर और दर्द नहीं चाहिए। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूँ उसमें बालकनी भी है, बाहर का नजारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल है, दूसरी तरफ लॉर्ड स्टेडियम है। वहाँ विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता पोस्टर है। इरफान ने अपने लेटर के साथ एक फोटो भी शेयर किया है। इस सफर में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जिन्हें जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता, वे सब अलग अलग जगहों पर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब दुआएं मिलकर एक हो गई है और असर दिखना शुरू हो गया है। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।